हो क्या? नहीं, मैं यहाँ पे, मेरा दूसरा टाइम है, मैं कोविड से पहले 2019 में आया था। तो आप तो अभी तो आपको ये ऐसे ही लग रहा है, ये क्या है? पहले तो काफ़ी क्राउड था। पहले तो क्राउड बहुत था यार, अभी तो कुछ भी नहीं है। मैं वही, मैं 1.5 घंटे हो गए यहाँ पे आए हुए, मैं सोच रहा हूँ यार कुछ है ही नहीं यहाँ पे, मतलब पहले से तेरा मतलब पूरा हलचल होता था, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। 15 दिन पहले तो यहाँ पर ये भी नहीं था। हाँ, कुछ भी नहीं था। वो तो एक फ्रेंड बता रहा था कि आप जा सकते हो, थोड़ा बहुत वीकेंड पर आए थे। अच्छा, दस मारने को आए थे। अच्छा, मैंने देखा, कभी देखा नहीं उसको, तो यही बहुत। अच्छा, पहली बार करा रहे हो? नहीं यार, पिछली बार करवाया था, बहुत गंदा वाला प्रॉब्लम था, पूरा इतना रश था। डोमेस्टिक टर्मिनल होने का फ़ायदा क्या है ना, कि आपको कोई ना इमिग्रेशन करना है या ना किसी चीज़ की टेंशन है। आप फ्लाइट से निकले, बेल्ट पे गए, अपने लगेज लिए, और लगेज का अगर नहीं है तो सीधा निकल गए, किसी चीज़ का वेट नहीं करना। तो अभी जैसे मेरा बैग मेरे पास ही है, तो मैंने किसी चीज़ का वेट नहीं किया और मैं सीधा निकल गया। गुड मॉर्निंग भाई लोग, अभी सुबह के हो रहे हैं, 8 बज रहे हैं अभी, और मैं रात को करीब 12:15 बजे 12:30 बजे पहुँच गया था यहाँ पे, और कोई ऑप्शन था नहीं, बिकॉज आप नाइट में पटाया जा नहीं सकते हो, कोई ट्रांसपोर्टेशन है नहीं, या फिर टैक्सी ले लो, तो वैसा कुछ था नहीं। बिकॉज मेरा जो होटल है वो 12 बजे चेक इन है, कोई फ़ायदा नहीं होता जाने का, तो मैं यहीं सो गया था, और नींद तो आ नहीं रही थी, सोया भी नहीं सही से, तो आईज़ में बहुत पेन हो रही है। तो एक चीज़ मैं बता दूँ कि आप अगर सुवर्णभूमि एयरपोर्ट पर हो, और अगर आपको खावसन रोड जाना है तो कैसे जाना है, तो खावसन रोड के लिए S1 लाइन आपको क्या करना है, प्लेटफॉर्म फर्स्ट फ्लोर से आपको निकलना है, और ये है न्यू एक्सप्रेस लाइन का काउंटर, लाइन S1। ये आपको पहले ले जाएगी, सो आइटनरी क्या है इसका, सुवर्णभूमि एयरपोर्ट, देन खावसन रोड, देन वट चंसोकरन, देन सनम लॉन्ग, ये सारे लोकेशंस हैं। तो आपको ये पहली बस जो है वो सुबह 6 बजे है, और लास्ट बस जो है वो रात को 8 बजे है, ये हाँ रात को 8 बजे है। और इससे निकल के ये सामने जो दिख रहा है लाइन S1, ये यहाँ पे स्टॉपेज है, वो S1 बस खड़ी है वहाँ पे, तो वो बस आपको खावसन रोड तक ले जाएगी। आगे भी जाना है तो 3 डेस्टिनेशन है, वो मैंने जो बता दिया आपको, अगर आपको जाना है तो आप सीधा, कोई टैक्सी कुछ नहीं करना है, आप फर्स्ट फ्लोर पर आओ, एग्ज़िट करो, S1 काउंटर के पास जाओ, बस पे बैठो और निकल चलो। अब आते हैं पटिया पे। पटिया पे क्या है कि फर्स्ट बस जो है वो 10 बजे चलेगी, और जो कॉस्ट है वो है 130 बात। 130 बात आपको पटिया पहुंचा देगी। टैक्सी जो है अराउंड 700 से 800 बात लेगी वो, तो कोई पॉइंट नहीं बनता टैक्सी जाने का। आप फर्स्ट फ्लोर से निकलो, गेट नंबर एट पे आपको लेना है टिकट, और टिकट लेकर फिर आप सीधा बस पकड़ो और निकल चलो पटिया। यहाँ पे COVID-19 का टेस्ट होता है। अब ये सिर्फ इन्होंने लिखा है थाई लैंग्वेज में, 150 है और 250 है एंटीजन प्राइस, सर्विस भी विद मेडिकल सर्टिफिकेट 250 थाई पर पर्सन, सर्विस भी विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट 150। ये क्या है, एंटीजन टेस्ट के लिए, और RT-PCR के 1200 रुपये है। टेस्ट रिजल्ट इज अवेलेबल विद इन 24 आवर्स, रिपोर्ट टेस्ट रिजल्ट फॉर COVID-19 वाया द एप्लीकेशन। भाई साहब, 1200 थाई बात जो है RT-PCR का कॉस्ट है, मतलब ये हो गया आपका 2600-2700 रुपये जो है वो RT-PCR का कॉस्ट है, 1200 थाई बात। भाई साहब, हमारे यहाँ पे इंडिया में RT-PCR टेस्ट 300 रुपये का होता है, यहाँ पे 1200 बात, उस पर से आप 2.24 मल्टीप्लाई कर लो, तो इंडिया में सस्ता है यार RT-PCR, बाकी हर जगह महंगा है। ये तो अच्छा है कि चलो RT-PCR की ज़रूरत नहीं पड़ती है इंडिया जाने के लिए, नहीं तो भाई साहब ये अलग ही एक और सोचने वाली था। एंटीजन का 150 है, और रिपोर्ट अगर चाहिए तो 250 है, रिपोर्ट के लिए 100 बात, अलग ही लूट मचा रखे हैं। सही है, तो आने का अच्छा तरीका है इनका। अभी मैं देख रहा हूँ कि, और ये टेस्ट जो है ना ये 24 आवर्स है,
24 घंटे होता है अवेलेबल, और ये कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मिल जाएगी। तो रिपोर्ट तो वैसे 6-7 घंटे में मिल जाती होगी, पर इन्होंने लिखा है कि 24 आवर्स का है ये सब। जो वैसे तो 10 बजे की बस होती है पहली, आज जो है 9 बजे बस है, और 9 बजे है 1:30 बात है। और इसमें मैं बता दूँ कि इसमें क्या क्या है, ये जब आओगे तो गेट नंबर 8 के पास कटिया मेन का काउंटर है, वहाँ पर मिलेगा। और जो सर्विस है 1:30 बात है, और 4 स्टॉपेज होंगे पटाया के, 1, 2, 3, 4 आपको जहाँ पे देखना है, आपके हॉस्टल होटल जहाँ पे होगा वहाँ देख सकते हो। तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि मेरा हॉस्टल कहाँ पे पड़ेगा, फोटोग्राफ ले लूँगा मैं। 9 बजे पहली बस है, और वैसे 10 बजे है, 10 से 11, 12, 1 एक एक घंटे के बीच में जो है बस है यहाँ पे। और पटाया से अगर वापस आना है तो आपको ये है 7:30 बजे पहली बस है जो सुवर्णभूमि एयरपोर्ट को आती है, ठीक है। और अगर आपको हुआहिन जाना है, हुआहिन, तो 294 बात पर सीट है, 294। इसका टाइमिंग जो है सुवर्णभूमि से पहली बस है 10 बजे, देन 1:30 बजे, फिर 5 बजे, सिर्फ 3 ही बस है जो जाती है। और वहाँ से वापसी सुबह 10 बजे है, दोपहर के 2 बजे है, और शाम को 5 बजे है। ये 1 मार्च से शुरू हो गया है ये। आपको कहाँ आना है, फर्स्ट फ्लोर पे गेट नंबर 8 के पास ये सारा कुछ मिलेगा, और टाइमिंग भी हो गया है। बस नंबर है 389, ये आ गए। सुवर्णभूमि एयरपोर्ट टू पटाया, पटाया नहीं भाई, पटिया, पटिया। सुवर्णभूमि एयरपोर्ट जंक्शन विच पटिया, मैं सारे चिकन बना रहा हूँ, ये देख रहे हो पूरा भट्टी, और इसमें पक रहा है चिकन। इन्होंने मोटर लगा रखा है, ऑटोमेटिक राउंड होता रह रहा है और भट्टी में पकता रहेगा वो चिकन बन गया। यहाँ पे ऐसा कुछ खाने के लिए था ही नहीं, अभी चिकन दिख तो रहा था बट राइस, मैंने बोला राइस विथ कढ़ी, कढ़ी राइस चिकन, तो कढ़ी है ही नहीं, फ्राइड, सारे लोग फ्राइड खाते हैं, मुझे फ्राई खाना ही नहीं था यार, मुझे ग्रेवी में खाना था कुछ चिकन में, पर वो ऑप्शन था नहीं। सेकंड, अभी यहाँ से जो होटल है अराउंड 2.5 किलोमीटर्स है, तो मैं ग्रैब बुक कर रहा था तो ग्रैब भी बुक नहीं हो रहा है। It's New York curry chicken soup. It's not soup. It's a curry on top of the rice. Yeah. And then you can get curry kailan. एक मैडम को इंग्लिश आ रहा है, तो ये कुछ समझा रही है, किस तरह किसी को इंग्लिश आ रहा है। So they have a dish curry. Yes, but they can put on top of the rice for you. But it's not soup. It's soup. Soup. Yeah.
दिल्ली में करी चिकन विद राइस एंड लेग पीस चिकन लेग पीस चिकन लेग लेग पीस लेग दिस लाइक या चलो मैं जो ढूंढ रहा था यहाँ मिल गया वो मैं ले रहा हूँ चिकन कड़ी राइस ले रहा हूँ और मैंने यार जो पानी की जो बॉटल देना मिल्टन वाली वो मैं एयरपोर्ट भी छोड़ दिया मैं जब सो रहा था तो मैंने बैग के जस्ट नीचे रखा था मुझे याद नहीं आ रहा है कि जब मैं बैग उठा कर जब जा रहा था तो मैंने एक बार देखा कि कुछ छूटा तो नहीं है तो बॉटल था नहीं वहाँ मुझे याद नहीं आ रहा कोई बात नहीं बिकॉज इसी एयरपोर्ट से मुझे वापस जाना है तो जब मैं जाऊंगा तो वहाँ पे एक लॉस्ट एंड फाउंड का एक काउंटर बना हुआ था तो मैं चेक कराऊंगा इन केस अगर उन्हें मिला हो तो फिर मिल जाएगा नहीं मिला होगा तो फिर कुछ कर नहीं सकते हैं न्यू बॉटल था चला गया ये भूख लगी है अभी मैं थोड़ी देर पैदल निकला ही था तो सामने एक ये दिख गया था ढाबा खाने के लिए तो मैं सोचा एक बार ट्राई मारता हूँ शायद यहाँ पर इनके पास कुछ हो खाने के लिए जो मुझे चाहिए तो एक लेडी थी जिसको इंग्लिश भी आती थी तो उसने उसको समझाया कि ये चीज़ें चाहिए तो वो बना रही है अभी और खाकर फिर निकलेंगे पैदल निकलेंगे बिकॉज ग्रैब मिल नहीं रहा है तो आधे घंटे और चलना पड़ेगा कोई बात नहीं खाने के बाद तो फिर एनर्जी आ जाएगी फिर चल लेंगे चल भाई साहब इतना वाहियात खाना था ना यार पूछो मत खाने का मन था और भूख भी लगी थी नहीं खाया मैं चिकन के नाम ना भुतियाबा बनाते हैं ये अभी ग्रैब भी नहीं मिल रही है तो पैदल चल रहा हूँ 23 मिनट और चलना है 1.8 किलोमीटर पैदल तो चला जा रहा हूँ ये देखो इनके पास चिकन कड़ी राइस नहीं था इनके पास चिकन सूप था तो इसने क्या किया राइस में चिकन सूप डाला और दे दिया मैं बोला भाई तुम बड़े खिलाड़ी हो फिर तो सारा बेवकूफ बना रहे हो कोई बात नहीं अभी देखते अभी जहाँ पे स्टे कर रहा हूँ वहाँ देखता हूँ आसपास में कुछ है या नहीं है नहीं तो 7-Eleven तो है ही वहाँ से ले लूँगा थाईलैंड में एक चीज़ ये है कि 7-Eleven जो है हर पॉइंट पे आपको मिलेगा हर 200 मीटर 300 मीटर मैक्सिमम 500 मीटर्स पे एक आपको 7-Eleven मिलेगा जो खाने पीने का हर चीज़ सामान मिलता है वेज हो नॉन वेज हो कुछ भी हो फार्म बे ग्रुप पताया भाई साहब अभी जो बचा है 150 मीटर और चलना है 2.25 किलोमीटर चल रही है और 140 मीटर बचा है उसके बाद पहुंचूंगा मैं ये जो है जस्ट बीच के नेक्स्ट में है तो अभी तो मैं पहुंच के सबसे पहले नहाऊंगा और सो जाऊंगा उसके बाद देखता हूं क्या प्लान करना है शाम को अभी यहां के टाइम के हिसाब से भी 12:30 हो रहा है तो अभी तो बहुत धूप है अभी बहुत धूप है बाहर निकलने का मतलब ही नहीं बनता इवन कोई निकला भी नहीं है तो शाम का ही देखते हैं कुछ प्लान करते हैं